तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरके टेक्निकल। जी हां दोस्तों, MIUI की तरफ से फाइनली HyperOS को लॉन्च कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, अब आपको MIUI देखने को नहीं मिलेगा आपके Redmi या फिर Xiaomi की डिवाइस में दोस्तों, अब आपको देखने को मिलेगा HyperOS। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में वही बताऊंगा कि आप अपने किसी भी Xiaomi की डिवाइस में दोस्तों HyperOS को कैसे बहुत ही आसानी से इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से दोस्तों उसके नए नए फीचर्स का आप उपयोग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी देरी की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा डिवाइस MIUI 14 पे अभी बेस्ड है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सेटिंग पे चले आकर आपको देखने को मिल जाएगा MIUI वर्जन का ऑप्शन, उस पर क्लिक करके दोस्तों आपको यहां पर से अपना डेवलपर ऑप्शन यहां पर से एनेबल कर लेना है। एनेबल करने के बाद दोस्तों डेवलपर ऑप्शन को आपको कर लेना है सिंपली से ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों इसको सिंपली से आपको कर देना है एनेबल अगर आपका ये डिसेबल्ड रहेगा तो। जी हां दोस्तों, विदाउट रूट वाला मेथड है, विदाउट यहां पर आपको बूट लोडर अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी से दोस्तों HyperOS का यहाँ पर फीचर्स को उपयोग ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या यहाँ पर से डाउनलोड कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दिए है, वहाँ पर से जाकर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से 5-6 APKs हैं दोस्तों, एप्लीकेशन है, इन सभी दोस्तों आपको सिंपली से अपने डिवाइस में कर लेना है डाउनलोड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर से मैंने पहले कर लेता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड मैंने कर लिया दोस्तों। पहला एप्लीकेशन है दोस्तों हमारा यहाँ पर से सिस्टम UI प्लगइन का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कंप्लीट करेंगे, आपको दोस्तों जो कंट्रोल सेंटर है वो पूरी तरीके से दोस्तों HyperOS का देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों कितना कूल लग रहा है, कितना बेहतरीन HyperOS का दोस्तों आपको यहां पर कंट्रोल सेंटर देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार से दोस्तों। बहुत ही आसानी से इस HyperOS के कंट्रोल सेंटर को कुछ इस प्रकार से आप एनेबल कर सकते हैं विदाउट रूट। अब बात आती है दोस्तों आगे के फीचर्स को कैसे हमारे डिवाइस में हम इंस्टॉल करें। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर से आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। आपको दोस्तों एडिट का ऑप्शन यहाँ पर से कंट्रोल सेंटर में देखने को मिल जाएगा। सेकंड है दोस्तों हमारा सिस्टम लॉन्चर। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम लॉन्चर को आपको सिंपली से कर लेना अपने डिवाइस में इंस्टॉल। इंस्टॉल या फिर दोस्तों आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोनों में से दोस्तों किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपका दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर इंस्टॉल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या कर लेना है, अगर आप सिस्टम लॉन्चर को दोस्तों कुछ सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कुछ फीचर दोस्तों आपको पुराने लॉन्चर में देखने को नहीं मिल रही थी, वो फीचर दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देन दोस्तों नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन आता है फाइल मैनेजर का। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन आता है फाइल मैनेजर का HyperOS का। जी हाँ दोस्तों, HyperOS का फाइल मैनेजर आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों लॉन्चर में आपको डिफरेंस देखने को मिल ही रहा होगा। अब दोस्तों हम अपना HyperOS का फाइल मैनेजर प्रोडक्ट में कर लेते हैं इंस्टॉल। यहाँ पर से दोस्तों इंस्टॉल हमारा कंप्लीट हो चुका है। डायरेक्टली दोस्तों मैं आपको यहीं पर से इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं दोस्तों हमको कितनी बेहतरीन तरीके से HyperOS का फाइल मैनेजर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको एक अलग सी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इमेज, फोटोज, अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी जो कि दोस्तों आपकी जो फाइल मैनेजमेंट है उसको दोस्तों बहुत ज़्यादा इन्हेंस बना देने वाली है। तो आप दोस्तों इन सभी को विदाउट रूट, विदाउट अपने डिवाइस को दोस्तों बूट लोडर अनलॉक किए इन सभी फीचर्स का उपयोग ले सकते हैं। आप ही देख ही सकते हैं दोस्तों कंट्रोल सेंटर, फाइल मैनेजर, सिक्योरिटी एप्लीकेशन, सिस्टम लॉन्चर सबको न्यू वर्जन में दोस्तों अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइल मैनेजर हमारा सक्सेसफुल यहाँ पर से हो चुका है। देन दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है हमारा सिक्योरिटी एप्लीकेशन का। जी हाँ दोस्तों, इसको भी सिंपल से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको भी आपको कर देना है अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक। अपडेट भी आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ये देखिए सक्सेसफुली हमारा सिक्योरिटी एप्लीकेशन भी दोस्तों अपडेट हो चुका है, जिसमें दोस्तों आपको गेम टर्बो देखने को मिल जाएगा, वो भी दोस्तों यहां पर से आपका लेटेस्ट वर्जन के HyperOS में अपडेट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, HyperOS का गेम टर्बो आपको कुछ अलग एडिशनल फीचर प्रोवाइड करेगा दोस्तों, उसको भी बहुत ही आसानी से आप यूज में ले सकते हैं। देन दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा सेटिंग एप्लीकेशन का APK। जी हाँ दोस्तों, सेटिंग एप्लीकेशन का APK भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, वहां पर से जाकर दोस्तों इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अगेन इसको आपको कर देना है अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक। अपडेट पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका सेटिंग एप्लीकेशन भी HyperOS के वर्जन में अपडेट
अपडेट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में हाइपर ओएस को पूरी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो और उसके जितने भी फीचर्स है दोस्तों उसको आप यूज़ में लेकर आ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको हाइपर ओएस देखने को मिल जाएगा आपके किसी भी Xiaomi के डिवाइस में। अब बात आती है दोस्तों, अगर आपको कोई एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है या फिर आपका लैग कर रहा है तो उसको आप कैसे फिक्स करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको सिंपली से सेटिंग्स में जानी है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों ऐप्स में जाना है, देन मैनेज ऐप्स में जाना है। जितनी भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है उसको सिंपली से सर्च करके उसके अनइंस्टॉल अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है। अनइंस्टॉल अपडेट या फिर क्लियर डाटा आपको कर देना दोस्तों, जैसे सिस्टम लॉन्चर है, सेक्रेटरी एप्लीकेशन है, इन सब का आप एक बार कर देंगे तो आप नॉर्मल अपने जो पुरानी एप्लीकेशन में उनमें आ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से हाइपर ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, नीचे कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।